बताइएगा कि कैसे साधु थे, बताइए उन्होंने मत्स्यगंधा के संग क्या किया। और आप ये ना सोचिए, क्योंकि अब बताइए आज के युग में क्या कोई स्त्री फिर से बच्चा देने के बाद कुंवारी हो सकती है, बोलो। पर संत ने किया, जैसे कुंती, जैसे द्रौपदी, जैसे तारा, जैसे मंदोदरी और पांचवी अहिल्या, ये पंच कन्याएं, ये जब चाहें तब अपने आप को कुंवारी कर लेती हैं, कुंवारी हो जाती है, पंच कन्याएं हैं। तो यहां पर मत्स्यगंधा को ये कह दिया गया कि आप तुम कुंवारी हो जाओगी सदा के लिए, अब तुम्हारा विवाह जिससे होगा फिर उसकी अर्धांगनी बनोगी। तो यहां आप ये बिल्कुल ये ना सोचें कि साधु ने ऋषि ने क्या किया, ये ऋषि मुनि है, ये जो करते हैं वह वेद अभ्यास जी सामान्य कोई पुरुष तो थे नहीं। अब बताइए किसी को तुरंत बच्चा पैदा हो सकता है कि आज ही गर्भाधान हुआ और आज ही बच्चा पैदा हो जाए, ये केवल एक निमित्त बनाया, क्योंकि संसार में भगवान को आना है ना, तो निमित्त तो बनाना पड़ेगा, किसी को माँ कहना पड़ेगा, तो निमित्त बनाया उन्होंने मत्स्यगंधा को और व्यास जी प्रकट हो गए। ये रहा मत्स्यगंधा और व्यास जी का प्राकट्य। इन्हीं मत्स्यगंधा जब गंगा मैया चली गई तो शांतनु ने मत्स्यगंधा से विवाह किया, जिनका नाम पड़ा सत्यवती। ठीक है, क्या नाम पड़ा? सत्यवती। लेकिन जो सत्यवती को पालने वाले जो केवट थे वो उनके पिता कहलाए, अब पालक तो पिता ही होता है, तो उन्होंने कहा किससे, स्वयं भीष्म पितामह से कहा कि सुनो पिता भीष्म, तुम्हारी यह जो माँ है, अब भीष्म पितामह की नई माँ मत्स्यगंधा हो गई, उन्होंने कहा शांतनु से कि महाराज आप तो हमारी बेटी से विवाह कर लोगे मत्स्यगंधा से, लेकिन आपका राज्य तो ये गंगा का बेटा ही संभालेगा। शांतनु ने कहा बिल्कुल संभालेगा, यही संभालेगा। तो उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करता, यदि आप मत्स्यगंधा सत्यवती के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र को यदि हस्तिनापुर का सिंहासन देंगे तब मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो शांतनु ने मना कर दिया, नहीं जी अब हम आपकी बेटी से विवाह नहीं करेंगे। तब भीष्म पितामह ने कहा पिताजी मुझे धन की कोई चाहत नहीं है, राज्य की कोई चाहत नहीं है, आपका विवाह करने का मन है आप कीजिए। तब शांतनु ने कहा वाह बेटा, तुमने पिता के लिए, पिता के सुख के लिए अपना राज्य का सुख भी त्याग दिया, वाह बेटा मैं प्रसन्न हूँ, जाओ तुम्हारा बाप तुम्हें आशीर्वाद देता है कि तुम्हें मृत्यु भी मार नहीं सकती, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु तुम्हें मार नहीं सकती। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने दिया था। कोई आपसे प्रश्न कर दे कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? उनके पिता शांतनु ने। अब पितामह ने कह दिया मैं राजा नहीं बनूंगा, शादी कर लीजिए। शादी हुई और सत्यवती के गर्भ से दो बच्चे हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। समझिएगा, चित्रांगद और जोर से अभी पूछूंगा मैं आपसे, भूल मत जाइएगा, सारा पूछूंगा जो जो सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शांतनु के एक तो बेटा हो गए भीष्म पितामह, ये गंगा से प्रकट भए, और सत्यवती से दो पुत्र हुए शांतनु के, दोनों का नाम क्या है? चित्रांगद और विचित्र वीर्य। तो चित्रांगद का तो निधन हो गया, चित्रांगद एक बार युद्ध करते करते मारा गया, तो चित्रांगद की हिस्ट्री खत्म। अब बची विचित्र वीर की, विचित्र वीर के हुए दो विवाह, अंबिका और अंबालिका।
विचित्र वीर के कितने विवाह हुए? दो विवाह हुए। अब संयोग देखिए कि विचित्र वीर की पत्नियां तो हैं दो, पर संतान किसी को नहीं, संतान हुई नहीं, और विचित्र वीर भी चल बसे भगवान के घर। अब जो विचित्र वीर की मां थी, अच्छा शांतनु भी गुजर गए, शांतनु भी चले गए, शांतनु भी गए, विचित्र वीर भी गया, अब केवल परिवार में महिलाएं बची हैं। सत्यवती बची है, अंबिका और अंबालिका की सास। अब संतान हुई नहीं और हस्तिनापुर का सिंहासन अब किसको दें, क्योंकि ये राज गद्दी है ना, इस सिंहासन पर योग्य राजा ही बैठेगा, और भीष्म पितामह से कहा गया है कि वो राजा बन नहीं सकते। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं राजा नहीं बनूंगा जब तक मैं जीऊंगा, अखंड ब्रह्मचारी। अच्छा ये भी शर्त थी कि चलो पितामह तो राज्य नहीं लेंगे, पर पितामह के बच्चे राज्य लेंगे, तो पितामह ने कह दिया था मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही, जब शादी नहीं होगी तो संतान का कोई सवाल नहीं। तो भीष्म पितामह राजा बन नहीं सकते क्योंकि प्रतिज्ञा है, और वो शादी भी नहीं कर सकते क्योंकि ये भी प्रतिज्ञा है। अब राज्य चलाए कौन? दो पत्नियां हैं, अब पत्नियां क्या करेंगी। तब माता सत्यवती ने अपने बड़े बेटे को स्मरण किया। बताओ सत्यवती के बड़े बेटे कौन? जोर से मैया बोलो। अभी बताया ना हमने पूरा, चित्रांगद तो मर गए, विचित्र वीर भी मर गए, अब कौन बचा? कौन बचा? वेदव्यास जी, जो कि शांतनु के विवाह से पहले ही उनका जन्म हो चुका था महर्षि पराशर के द्वारा। ठीक है, तो वेदव्यास जी का स्मरण किया मां सत्यवती ने, बेटा आओ। तो वेदव्यास जी रहते थे व्यास गुफा, आप कभी बद्रीनाथ जी जाएंगे तो वहां व्यास गुफा सरस्वती नदी के किनारे आज भी है। वेदव्यास जी वहां से आए और मां सत्यवती के चरणों में प्रणाम किया, मां क्या आज्ञा है? तब मां ने कहा बेटा ये सिंहासन खाली पड़ा है, दो बहुएं हैं पर संतान तो है नहीं, अब तुम कुछ करो बेटा, संतान कैसे हो? तो वेदव्यास जी ने कहा कि मां कल अपनी दोनों बहुओं को हमारे पास भेज देना। वेदव्यास जी साक्षात नारायण हैं, भगवान वेदव्यास जी ने कहा मैं केवल अपनी दृष्टि मात्र से इन्हें स्पर्श कर दूंगा तो ये गर्भवती हो जाएंगी। जैसे देखो शास्त्रों की कुछ बातों पे आप लोग बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, अरे कोई छूने से गर्भवती हो जाएगा? साइंटिफिक बातें आपको, साइंस समझने वाले को ये बातें गलत लगती हैं। लेकिन एक बात बताएं कि जहां इंसानों की बात होती है वहां तो ये कोई छूने से गर्भवती नहीं हो सकती महिला इंसानों के द्वारा, पर जहां भगवान की बात आती है, जहां भगवान, जो भगवान एक उंगली से गिरिराज उठा सकते हैं, जो भगवान जिनके रोम रोम में इतना सा मुंह खोला आ, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ सकता है, वो भगवान किसी को छू दें तो गर्भवती क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता है। यहां तक कि भक्तमाल में कथा है कि भक्त नामदेव जी जो हैं, नामदेव जी की जो मां थी, नामदेव जी की मां को भगवान श्री कृष्ण ने ही स्पर्श करके गर्भवती कर दिया था, और नामदेव जी स्वयं भगवान नारायण के ही पुत्र हैं, ये समझो नामदेव जी भगवान के पुत्र हैं। नामदेव जी के पिता, इनकी जो मां थी, जब ये शादी के कुछ महीनों बाद, नामदेव जी की मां शादी के कुछ महीनों बाद इनके पति गुजर गए, तब भगवान की ये बहुत बड़ी